यार सदस्यता तो चलना रहा, लेकिन ये भी ज्यादा हल्ला मचा रहा था मोदी के खिलाफ। और वो कौन है, योगी, ये दोनों खिलाफ ज्यादा बोल रहा था। जब ज्यादा कितना सुनेगी सरकार, सरकार तो मोदी है ना, कि राहुल सरकार है। प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी का अधिकार है बोलने का, संसद के अंदर उनको बोलने नहीं दिया गया और सदस्यता इतनी जल्दी खत्म कर दी गई। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये देश हित में नहीं है। ये प्रजातंत्र है देश में, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा भारत है। भारत के अंदर हर आदमी को बोलने की आज़ादी है। लोकतंत्र आज से नहीं, 50 साल पहले से खत्म हो चुका है। अबे इतनी गरीबी रही कांग्रेस के जमाने में कि एक कमीज पहनो वो ही धो। आज तो तरक्की है कि 10 है, एक ही कपड़ा पहनता था। किसान तो उनको बेहाल है, किसान का तो हाल ही बहुत खराब रहा उस जमाने में, कांग्रेस के जमाने में। आज तो बहुत अच्छा है भाजपा के जमाने में। आज पूरे देश के अंदर यही चल रहा है ना, हर सूबे के अंदर जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, जो इनके खिलाफ ज्यादा बोलता है सबको ये जेल में पहुंचा देते हैं। किसी को हमारे यहाँ ये नहीं बोलते तुम ठेठ हो या गरीब हो या ऐसा नहीं, सबको एक साथ लेते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। भाजपा के अंदर यही एक नई शक्ति है। लोकतंत्र ये नाम की चीज है, लोकतंत्र कहीं नहीं है, आज से नहीं, कई हजार साल से राजा महाराजा बैठे रहते, गरीब परेशान रहता है। हर आदमी को यहाँ बोलने की बराबर की आज़ादी है, मगर ये 7 साल में मोदी जी की सरकार जब से बनी है, और चाहे वो CBI हो ED हो, आप देखें रोज लोगों के यहाँ छापा डालना, जो विपक्ष में लोग हैं अगर वो भाजपा में चले जाते हैं तो उनके यहाँ छापा नहीं पड़ता। पूरे देश में विपक्ष के यहाँ रोज छापे मारे जाते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए घातक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। किसी को हमारे यहाँ ये नहीं बोलते तुम ठेठ हो या गरीब हो या ऐसा नहीं, सबको एक साथ लेते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। भाजपा के अंदर यही एक नई शक्ति है। कांग्रेस की सत्ता के टाइम पर और BJP की सत्ता के टाइम पर कितना फर्क है? अबे कांग्रेस तो बहुत आगे रही लूट फूट में। कांग्रेस के जमाने वोट कैसे चलता था, पूरे इलाके में कोई वोट नहीं डालता था, अपने हाथ से ठप्पा लगाते थे। कांग्रेस कोई बहुत अच्छी सरकार नहीं थी। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जब थी तो कांग्रेस इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं करती रही, जैसी कार्रवाई ये कर रहे हैं ऐसी कार्रवाई देश में कभी नहीं हुई है। कांग्रेस भी करती रही, ऐसी कार्रवाई नहीं करती रही कि जो इनके खिलाफ बोले वो सीधा जेल में जाए। आप देख लो, बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना है, युवाओं के लिए अभी योजना, लोन योजना, घर घर गांव गांव में मकान की योजना, मुख्यमंत्री 15 साल में आप देख लो कितना विकास हो रहा पूरे देश में। ब्रिज है तो आज नर्मदा में 4 पुल डल गए। कांग्रेस पहले सिर्फ कांग्रेस है हिंदुस्तान में, जब आज़ाद भी पहले इलेक्शन में 1952 में, उसके बाद जब देखा कि दूसरी पार्टी बढ़ रही है तो उसने उसको अपने साथ मिला के जनसंघ को बनवा ली, जनसंघ पार्टी को, वही फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये एक खानदान की पार्टी हो गई थी, राहुल गांधी की जो बात कर रहा है, एक खानदान की पार्टी हो गई थी। आज जाके वो उनकी सदस्यता खत्म करे हैं, इसके पहले आप देख लो इन्हीं के यहाँ का पूरा परिवार 70 साल से लदे रहे।